हमारा आज का टॉपिक है भारत की जनता में बढ़ता अंधविश्वास। अंधविश्वास इसे हम वायरस भी कह सकते हैं। हाँ, वायरस। जिस तरह वायरस बॉडी में एक बार घुस गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसी तरह अंधविश्वास एक बार मनुष्य के मन में बैठ गया तो उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अंधविश्वास ना केवल हमारे बड़ों में बल्कि बच्चों के लिए भी बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। अगर मान लीजिए बच्चों को काला टीका लगाने से अगर उनको संरक्षण प्राप्त होता तो भारत में बाल मृत्यु दर 0 होता। इसी तरह गाड़ियों में ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लोग गाड़ियों में नीम मिर्च लगा देते हैं। मेरा आपसे कहना है कि अगर गाड़ियों में नीम मिर्च बांधने से सुरक्षा मिलती तो भारत में आजकल कोई दुर्घटना होती ही नहीं। पूजा को लेकर, पूजा को भारत में एक हवा बना रखा है जिसमें व्यापारों में, उद्योगों में, धंधों में, एग्जाम्स में, हर जगह पूजा को, हर वर्क को ना देकर पूजा को फर्स्ट देखा जाता है। पूजा करने से अगर व्यापार उद्योग धंधों में बरकत आती तो आज सभी उद्योगपति बने होते। इसी तरह अंधविश्वास बाबाओं में देखा जाता है। बड़े बड़े बाबाओं के पास जाने से अगर दुखों का निवारण हो सकता तो आज सभी बाबा के भक्त सुखी हो गए होते। इस तरह शादी को लेकर अगर कुंडलियां मिलाने से पति पत्नी के मन भी मिले होते, जुड़े होते तो आज हमारी जो मैरिज अरेंज मैरिज है वो सक्सेस होती। इसी तरह यज्ञ, कोई भी हमारे देश में कोई भी बड़ा काम करने से पहले यज्ञ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर यज्ञ करने से कोई भी टीम जीतती तो भारत आज तक किसी भी मैच में हारता ही नहीं, किसी भी खेल में हारता ही नहीं। इसी तरह मुहूर्त का समय, जिस दिन जिस वक्त हमारा जन्म हुआ वह दिन वह वक्त हमारे लिए शुभ है। इसलिए फ्रेंड शुभ अशुभ में ना उलझे। जन्म लेने का कोई मुहूर्त नहीं होता, उसी तरह मरने का कोई मुहूर्त नहीं होता। ये भी तो एक अंधविश्वास का पार्ट है। पत्रिका और कुंडलियां जोड़े बनाए जाते हैं फिर भी अकाल मृत्यु हो जाती है उन्हें, ऐसा क्यों होता है? यहाँ तक कि 95% विवाह मुहूर्त के समय नहीं होते, फिर भी मुहूर्त का आग्रह। जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता वो अंधविश्वास का सहारा लेते हैं।